चमोली जिले के दशोल ब्लॉक के सिरो गांव में आज भी सड़क नहीं पहुंच पाई है। यहां के ग्रामीणों का कहना है कि देश और दुनिया डिजिटल इंडिया की बात करती है, लेकिन हमारा गांव अभी भी सड़क की राह देख रहा है। ग्रामीणों ने कहा कि हमने सड़क के लिए काफी कोशिश की है। आपको बता दें कि गोपेश्वर मुख्यालय से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर यह गांव बसा है। इस गांव में 70% लोग आर्मी से रिटायर है, लेकिन सड़क ना होने के कारण काफी लोगों ने यहां से पलायन कर दिया है, क्योंकि यदि कोई बीमार हो जाता है तो उसे डंडी और कंडी के सहारे सड़क मार्ग तक पहुंचाया जाता है। यहां तक कि इस क्षेत्र में पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है, लोगों को जंगल के रास्ते से अपने गांव सिरो पहुंचना पड़ता है। हालांकि यहां के ग्रामीण कई बार जिला प्रशासन और देहरादून तक फाइनल कार्यवाही कर चुके हैं, फिर भी सड़क का संज्ञान किसी ने नहीं लिया है। अब ग्रामीणों ने मन बना लिया है कि धरना प्रदर्शन कर शासन और प्रशासन को जगाएंगे। चाहता हूं कि हमारे यहां पे जो है 70% जो है फौज में है और 30% जो है एक्समैन घर पे है, और लेडीजें खेती करती हैं और अपना खेती से अपना व्यवसाय करती हैं। चंद एक लेडीज ऐसी हैं विधवाएं हैं, और चंद एक लेडीज ऐसी हैं जो कि जो है पेंशन मिलती है उनको, लेकिन वो बेचारी इतने असमर्थ हैं कि वो यहाँ से अपनी पेंशन को लेने के लिए नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं है। अगर रोड हो जाए तो हमारे गांव में सब कुछ हो सकता है। हमारे मोदी जी ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन आज डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ गोपेश्वर हेडक्वार्टर सबसे नज़दीक है और दीपक तले अंधेरा हो रखा है हमारे गांव के अंदर। जबकि हमारे यहाँ रोड आ जाए तो हमारी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। सड़क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों आना जाना, और कई लोग औरतें हैं या कोई भी अगर बीमार हो गया उसको कुछ ले जाने के लिए बड़ी समस्या है। सबसे मेन समस्या हमारे रोड की है। कई बार हम डीएम के पास गए, वहाँ पर हमने अपनी समस्याएं रखी, प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। हमने ये तक कहा कि हम रोड पर धरना देंगे, प्रशासन ने तब भी हमारी सुनवाई नहीं की। हमारी सारी गांव की महिलाएं, ये बुजुर्ग हैं, इनके घुटनों में दर्द है, ये ऐसे डंडी कंडियों में जा रहे हैं, कभी किसी की रात की तबीयत खराब हो जा रही, कौन ले जाएगा यहाँ से कुड़ियाल से, सारे लोग ऐसे ही कुछ कई लोग ऐसे ही मर जा रहे हैं। न तो एक रोड नहीं है, रास्ता नहीं है। फिर हमने 15 अगस्त को जिला परिषद के रोड में दशौली ब्लॉक के भूतपूर्व सैनिक की मीटिंग थी, हमने विधायक साहब से बोला है कि हमारे यहाँ रोड दे दो। विधायक साहब ने हमको बोला उस अंदर हॉल में 800 आदमी के बीच में कि हम दूर दराज की रोड बना रहे हैं, टाइम लगेगा तो तब देखेंगे तुम्हारे गांव की ले लो रोड। और हम आशा तब से कर रहे हैं, जब चमोली जिला खुला उस समय से रोड 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 न रोड है न रास्ता है। आज से 2 साल पहले एक बच्चा हमारा बीमार हुआ, हम गोपेश्वर ले जा रहे थे, ये पार गोरांव गाँव है वहाँ पर जाने को उसने दम तोड़ दिया। दूसरा बच्चा हमारा पिछले साल यहाँ आपदा से गिरा, उसको हम गोपेश्वर ले जाते उसने पोखरे बेंड में दम तोड़ दिया। अब इससे ज़्यादा हम क्या कहें। वोट देने के लिए हर कोई बोला हमको दो, पर हमारी समस्या कोई नहीं सुन रहा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।